आज की वीडियो में मैं बताऊंगी मैक्स ग्लो फ्रूट क्रीम ब्लीच के बारे में। ये ब्लीच कैसा है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, कौन से स्किन टाइप पे यूज करना चाहिए एंड कैसे यूज करना चाहिए, तो इसके बारे में आज डिटेल वीडियो दूंगी आपको एंड इसका रिजल्ट भी मैं आपको बताऊंगी इसका रिजल्ट कैसा है। तो चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं इस ब्लीच के बारे में। तो इसमें फर्स्ट मेंशन किया हुआ मैक्स ग्लो फ्रूट क्रीम ब्लीच है एंड विथ प्री ब्लीच दिया हुआ। प्री ब्लीच क्या होता है, जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन होती है, जिनको बहुत जल्दी रैशेज हो जाते हैं, उनके लिए प्री ब्लीच क्रीम दिया रहता है। बहुत सारे जो आपने ब्लीच देखे होंगे जैसे फैम है, ओलिविया, उसमें जो है प्री ब्लीच नहीं दिया था। बहुत कम जो ऐसे ब्लीचेस होते हैं जिनमें प्री ब्लीच दिया होता है, तो इसमें प्री ब्लीच दिया हुआ है। जिनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है उसके लिए प्री ब्लीच दिया जाता है। इसमें मेंशन किया हुआ हर्बल प्रोडक्ट है, एकदम हर्बल प्रोडक्ट है, इसमें कुछ भी हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं किए हुए। अब हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में। इसका प्राइस है 200 रुपीज मेंशन किया हुआ है एंड इसका जो 300 ग्राम में ये दिया हुआ है, इसका जो ब्लीच है वो 230 ग्राम्स का इसका क्रीम ब्लीच दिया हुआ है एंड जिसका एक्टिवेटर है वो 50 ग्राम्स दिया हुआ है एंड प्री ब्लीच जो क्रीम है वो 20 ग्राम दिया हुआ है। तो इस तरह से ये जो है पूरा पैक 300 ग्राम्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा 200 रुपीज में। इसका जो छोटा पैक भी आता है आप वो ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने बड़ा पैक लिया हुआ है। आप छोटा पैक लेंगे तो आपको 60 या 70 रुपीज में आपको इजिली मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कहाँ से परचेज करना है इसको। जो आप कॉस्मेटिक शॉप से आप ले लें वहाँ पे आपको इजिली मिल जाएगा एंड होलसेल की रेट से लेंगे तो आपको और भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा। ये ऑनलाइन पे आपको इजिली मिल जाएगा एंड इसकी बात करती हूँ पैकेजिंग। इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी है एंड जो इसके क्रीम जो दिए हुए हैं, क्रीम एंड प्रोडक्ट्स जो दिए हुए हैं, पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी लगी मुझे। अब हम बात करते हैं इस ब्लीच को कौन से स्किन टाइप पे यूज करना चाहिए। ये जो ब्लीच मैं लेकर आई हूँ वो सेंसिटिव स्किन के लिए लेकर आई हूँ। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कौन सा ब्लीच हम करें हमें सूट नहीं करता है, ओलिविया भी नहीं करता, फैम भी नहीं करता, तो ये ब्लीच जो है वो सेंसिटिव स्किन वालों की, जिनकी बहुत जल्दी रैशेज हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, उनके लिए बेस्ट ब्लीच है। जिनकी नॉर्मल एंड ऑयली स्किन होती है उनके लिए तो ओलिविया एंड जितने भी जो ब्लीच होते हैं वो यूज कर सकते हैं, बट जिनके बहुत ज्यादा सेंसिटिव स्किन है एंड जो कोई क्रीम वगैरह लगाते हैं, बाहर के जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो उसकी वजह से वो ब्लीच नहीं कर पाते, बट ये ब्लीच आप कर सकते हैं। ये ब्लीच जो है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, उससे बिल्कुल भी आपको रैशेज नहीं होंगे। किसी बहुत से लोगों का जो है ब्लीच करने के बाद ब्लैक ब्लैक हो जाता है एरिया, माउथ एरिया, तो इस ब्लीच से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए परफेक्ट रहेगा ये ब्लीच। चलिए जी अब मैं बताती हूँ इसको यूज कैसे करना है, आपको मैं लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी। इसका रिजल्ट मेरे हैंड पे कितना अच्छा आएगा वो भी आप देखिएगा बिल्कुल। इसमें कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं करी, रिजल्ट आप देखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे प्री ब्लीच क्रीम दिया हुआ है, तो ये प्री ब्लीच जो क्रीम है ये एक पाउच में दिया हुआ है, सैशे में। तो ये जो है आप जिनकी बहुत ज्यादा ही एक्सट्रीम सेंसिटिव स्किन है, पहले आप ये अप्लाई करें अपने फेस के, उसके बाद जो है आप 5 या 10 मिनट के बाद उसके बाद आप ये अपना ब्लीच अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है वो प्री ब्लीच क्रीम दिया हुआ, फिर उसके बाद एक्टिवेटर दिया हुआ है। एक्टिवेटर की जो क्वांटिटी अच्छी खासी दी हुई है आप देख सकते हैं, इसकी कितनी अच्छी बॉटल दी हुई है एंड इसकी पैकेजिंग मुझे अच्छी लगी, व्हाइट कलर की पैकेजिंग में दिया हुआ है एंड अच्छे से पैक करके दिया हुआ है। तो इसका एक्टिवेटर अच्छा लगा, एक्टिवेटर इसलिए ज्यादा दिए रहता है जिनकी नॉर्मल स्किन होती है कि वो लोग जो है इसको ज्यादा अप्लाई कर सकते हैं, एक्टिवेटर ज्यादा डाल सकते हैं एंड जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो नॉर्मल आप एक्टिवेटर डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं बता रही हूँ मैक्स ग्लो फ्रूट ब्लीच क्रीम के बारे में। ये है, ये जो है क्रीम है, ब्लीच क्रीम इसमें दिया हुआ है। इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा क्वांटिटी में दिया हुआ है। ये क्वांटिटी इतनी दी हुई रहती है कि मैक्सिमम आपकी अच्छे खासे 5 to 6 months ये आपके इजिली चल जाएगा, इतनी क्वांटिटी इस प्रोडक्ट में दी होती है। जब आप बड़ा पैकेट लेते हैं 200 वाला जब आप पैकेट लेंगे तो आपको 3 to 6 या 7 months आप फ्री हो जाओगे ब्लीच खरीदने से। फिर उसके बाद जी इसका मैं क्रीम बता रही हूँ, उसका क्रीम जो है वो लाइट येलो क्रीम कलर में दिया हुआ है, ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है क्योंकि ये जो है वो मम्मी यूज करती हैं, जो जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है, मम्मी की सेंसिटिव स्किन है इसलिए मम्मी यूज करती हैं, तो ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है, फिनिश होने वाला है ये। तो इसका जो क्रीम है ये लाइट येलो कलर में दिया हुआ है, इसके साथ जो फ्री दिया हुआ है स्पैचुला दिया हुआ है जो इसका बिल्कुल काम नहीं आता है इस ब्लीच में। फिर इसके बाद जी मैं आपको मिक्स करके बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बाउल लिया है, मिक्सिंग बाउल नहीं हो तो आप एक कांच का ही बाउल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने मिक्सिंग बाउल ले लिया एंड यहाँ पे मैंने ब्रश ले लिया। आपके पास ब्रश नहीं हो ब्लीच करने वाला तो आप फिंगर से भी आप इसको मिक्स कर सकते हैं, बट मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है एक ब्रश ले लीजिएगा। ये ब्रश जो है आपको 50 रुपीज में इजिली मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आप इसको परचेज कर सकते हो, तो बेटर यही है कि फिंगर से ज्यादा आप ब्रश यूज करा करें। तो यहाँ पे मैंने ब्रश लिया हुआ है एंड इसको जो है ब्रश में मैंने ज्यादा क्वांटिटी में ली क्योंकि मैं अपने हाफ हैंड पे लगा रही हूँ, सिर्फ मैं अपने हैंड पे लगा रही हूँ, तो इसमें जो है मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी ज्यादा ली हुई है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ले लिया।
क्रीम जो है आप अपने फेस के हिसाब से ले लीजिएगा, आपके फेस पे जितना भी लग रहा है क्वांटिटी में आप उतना आप यहाँ पे क्रीम ले लीजिएगा। एंड यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे मैंने इतना क्रीम ले लिया है क्योंकि मैं अपने हैंड पे लगा के आपको दिखा रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इतना क्रीम ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा यूज कर रही हूँ, जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो कम यूज करिएगा, मतलब जितना आपने क्रीम लिया है उससे हाफ जो है अमाउंट क्वांटिटी में आप एक्टिवेटर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ज्यादा लिया हुआ है क्योंकि मैं अपने हैंड पे आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ एंड मेरी सेंसिटिव स्किन है नहीं, तो हैंड की तो ऑब्वियसली बात है किसी की भी सेंसिटिव स्किन नहीं होती हैंड की, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया हुआ है एक्टिवेटर। एंड इसके बाद जो इसको मिक्स करना है, मिक्सिंग में जो है टाइम आप अच्छा ज्यादा लीजिएगा, मिक्सिंग करने में आप 5 to 10 मिनट्स आप इजीली लेगा, जितना आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत से लोग होते हैं बस सिर्फ थोड़ी देर मिक्स करते हैं अप्लाई कर लेते हैं फेस पे, जितना आप ब्लेंड करेंगे जितना आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे हैंड पे मेहंदी लगी हुई है, मेहंदी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लगी हुई, डार्क डार्क मेहंदी है। तो अब हम देखते हैं मेहंदी को ये कितना लाइट करता है ये ब्लीच। तो यहाँ पे मैं स्पैचुला से लगा के देख रही हूँ, स्पैचुला मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया तो मैं इसके नहीं लगाती हूँ, तो मैं फिंगर से अप्लाई करने लगती हूँ क्योंकि ब्रश किसी के पास होता है किसी के पास नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको फिंगर से अप्लाई करके दिखा रही हूँ ये ब्लीच। ब्लीच को रखना है 15 मिनट्स, आप अपने फेस पे रखिए एंड इसको जो है ड्राई होने दिए। ड्राई होने के बाद जो है आप इसको वॉश कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको क्लीन करके दिखा रही हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी कितनी लाइट हो गई, आपको क्लियर जो है आपको दिख रहा होगा कि रिजल्ट कितना क्लियर है कि यहाँ पे मेरी मेहंदी लगी हुई थी जिनके जो स्किन बहुत ज्यादा मेल जमा हो जाता है, बहुत ब्लैक ब्लैक लगती है, तो वो इस तरह से जो है आपका ब्लीच इस तरह काम करता है, वो उसको कट कर देता है, जो भी आपकी गंदगी एंड टैनिंग हो गई होती है उसको जो है रिमूव करता है। तो आप ये देख सकते हैं मेरी मेहंदी किस हद तक, मतलब इसमें जो है 4 to 5 टोन जो है मेरी मेहंदी इसने लाइट कर दी। आप देखिएगा पहले जो मेरी मेहंदी कितनी डार्क थी और अब मेरी मेहंदी कितनी लाइट हो गई, तो इसका रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। आप ऑल स्किन टाइप वाले यूज कर सकते हैं, बट मैं स्पेशली जो इसको लाई हूँ वो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए लाई हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड ओलिविया ब्लीच वो जो है वो ऑल स्किन टाइप पे भी रहता है, बट जिनकी सेंसिटिव स्किन के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगी ये वाला आप ब्लीच ले। ये वाला ब्लीच जो है बहुत ज्यादा अच्छा है, इससे जो आपके स्किन पे रैशेस भी नहीं होंगे एंड जिनके रेड स्पॉट्स हो जाते हैं एंड वो डरते हैं ब्लीच करने में, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ये ब्लीच कर सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा एंड इसका रिजल्ट आप खुद देख लिया है आपने कितना अच्छा इसका रिजल्ट आया है। मुझे तो ये पसंद है, बट ज्यादा मम्मी यूज करती है, मैं ज्यादा यूज नहीं करती हूँ क्योंकि इसका जो है बहुत सेंसिटिव स्किन वालों के लिए ज्यादा अच्छा है, इसलिए मैं जो है वो ओलिविया यूज करती हूँ, बट ये जो है सेंसिटिव स्किन वाले के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा ये ब्लीच। अब हम बात करते हैं इसको कब कब यूज करें। इसको 15 डेज बाद आप यूज कर सकते हैं, पहले आप यूज करें 15 डेज के बाद फिर आप इसका ब्लीच करें। 15 डेज बाद आप इसको यूज करेंगे तो इसका बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप 10 डेज बाद आप इसको यूज करें, नहीं, 15 डेज बाद आप इसको यूज करें, 15 डेज हुए फिर आप इसको ब्लीच करें, फिर 15 डेज हुए फिर ब्लीच करें आप, तो इसका रिजल्ट आपको जो है अच्छा मिलेगा। हर 15 दिन में आप करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा एंड इसके साथ साथ आप फेशियल भी लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये थी मेरी डिटेल वीडियो इस मैक्स ग्लो फ्रूट क्रीम ब्लीच के बारे में एंड मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।